नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल करियर स्टार्ट में। आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन और फैकल्टी मेंबर्स की वैकेंसी के बारे में, जो कि अम्बत्तूर चेन्नई तमिलनाडु में है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में जो है फैकल्टी की कौन सी पोजीशन है और क्या उसकी सैलरीज है, कितनी सारी वैकेंसी है और उसके लिए आपको यानी कि उम्मीदवार को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए। तो चलिए बिना वेस्ट करे टाइम देखते हैं इन सभी पोजीशन की डिटेल्स। तो एक्चुअली है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी, अम्बत्तूर चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी जो कि हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल या तो डेपुटेशन बेसिस में। यहाँ पे फैकल्टी मेंबर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जरूरत है। जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यहाँ पे इसकी दो वैकेंसी है और पेमेंट पेमेंट जो बैंड है वो है 15,600 से लेकर 39,100 की ग्रेड पे है 6,000। वैसे ही आपको मिल जाएगी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जहाँ पे इसकी जो है पे बैंड है 37,400 से लेकर के 67,000 और यहाँ पे ग्रेड पे है 9,000 और वैकेंसी एक है। और नेक्स्ट पोजीशन है प्रिंसिपल या डायरेक्टर की, जहाँ पे एक वैकेंसी तो है लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी का जो है चांस है, यानी कि 37,400 से लेकर के 67,000 के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा जो कि ₹6,750 पर मंथ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, यहाँ पे एक वैकेंसी है और यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, 15,600 से लेकर के 39,100 तक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल, अगर आपको आप उम्मीदवार है इस पोजीशन के लिए, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको जो है बीएड या सॉरी बी या तो बी टेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो है या तो एमई और एम टेक है तो एनर्जी इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, या तो इसका कोई इक्वलेंट मास्टर या तो पीएचडी या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको। वो है इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स पॉलिसी में और एडिशनल जो है अगर एमबीए है तो वो भी सराहनीय होगा। आपको जो है अगर आप 2 साल सक्सेसफुल पीएचडी जो है आपका मतलब एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी गाइडेड एज सुपरवाइजर होना चाहिए और जो है आपका एक्सपीरियंस 8 साल का जो होना, 8 मिनिमम 8 रिसर्च पब्लिकेशंस आपका होना चाहिए और एक अच्छी जो है AICTE या तो UGC अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल में आपका होना चाहिए सब, और 15 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग रिसर्च या तो इंडस्ट्री में होना चाहिए, विच एटलीस्ट 3 इयर्स जो है इसमें से पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रोफेसर होना चाहिए। सेकेंड है एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेजुएट डिग्री कोई भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री कोई भी एक होना चाहिए, एमबीए हो तो अच्छा है लेकिन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, पीएचडी भी जो है मैनेजमेंट या बीई बीटेक इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री हो तो भी चलेगा और एटलीस्ट जो है 6 आपको रिसर्च पब्लिकेशन में जो है आपका पेपर होना चाहिए, जैसे कि SCI जर्नल्स, UGC या तो AICTE का जो है अप्रूव्ड जर्नल होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री में होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का जो है पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपको बीई या तो बीटेक या तो इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग में, या तो फिर आप एमई एमटेक होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग एनर्जी इंजीनियरिंग में और इसका जो है फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और अगर आप एमई या एमटेक में से नहीं हो तो बैचुलर किसी भी या तो मास्टर डिग्री इसके इक्विवेलेंट का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट है वो अगर देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव डन पीएचडी आफ्टर बैचुलर्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस
विद गेट स्कोर शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी दिया गया है। और यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको क्या है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या तो इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंट्री साइंस सॉरी डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री में होना चाहिए, विद एटलीस्ट फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। गुड आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का जो है नॉलेज भी होना चाहिए माना जा रहा है। और जो है क्वालिफिकेशन जो है इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको नेशनल लेवल टेस्ट जो है यूजीसी द्वारा जो भी टेस्ट है उसको भी आप पास किया हो तो अच्छा, ये भी होना चाहिए इसमें कह रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको लेंगे वो 3 साल के लिए वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। आपका जो ये है बायोडाटा 16 जुलाई तक 2020 तक पहुँच जाना चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, अगर आप पोस्टल से अपना जो है बायोडाटा भेज रहे हो। और सॉफ्ट कॉपी जो है आप इस ईमेल आईडी में भेज सकते हो npcaipchn@gmail.com। इसकी जो है हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।